क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 है स्केयर्स एंड स्केयर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो अपनी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 5, आपको नंबर्स गिवन है और उनका आपको स्केयर रूट निकालना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। और बेटा ये नंबर डेसिमल में है, पिछला वीडियो में हमने देखा था जो नंबर था वो डेसिमल में नहीं था, इस बार ये नंबर किस में है, डेसिमल में। तो इनका हमें क्या निकालना है, स्केयर रूट। तो आप ध्यान से देखेंगे, मैं नंबर लिख देता हूँ। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 3B, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, नंबर है 4556.25, इसका हमें स्केयर रूट निकालना है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। अब इसका स्केयर रूट हमें निकालना है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो ध्यान देंगे, हमें पता है डिवीजन मेथड में हम किस तरह करते थे, नंबर को आप इस तरह राइट करो 4556.25, इस तरह राइट करते थे हम। फिर हमें पता है हम टेबल राइट करते हैं 1 का स्केयर यानी 1 multiply 1 = 1, 2 का स्केयर मतलब 2 multiply 2 = 4, इसी तरह 3 का स्केयर 3 multiply 3 = 9, ऐसे ये टेबल 9 तक चलती है, 9 का स्केयर 9 multiply 9 = 81। इसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो नंबर है उसमें हम, जब ऐसे नंबर था जिसमें डेसिमल नहीं था तो हमने क्या किया था, इधर से दो दो के जोड़े बनाए थे, ऐसे किया था। लेकिन यहाँ पे डेसिमल है तो बेटे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डेसिमल से स्टार्ट करेंगे, डेसिमल से इधर आप दो के जोड़े बनाएंगे, इधर से डेसिमल से इधर, ठीक है। अगर दो नंबर यहाँ पे इस पेयर में कंप्लीट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक नंबर है उसी का पेयर बना लेंगे। इधर दो नंबर ही होने चाहिए, दो नंबर नहीं है तो हम जीरो लगा के दो नंबर बना सकते हैं, डेसिमल के इधर हम जीरो लगा सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी दो ही नंबर हैं तो कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ पे अगर ऐसा होता बेटा 0.2 ही होता तो एक जीरो हम खुद से लगा सकते हैं, ठीक है। पॉइंट के बाद जब नंबर हों और उनके आगे हम अपनी मर्जी से जीरो लगा सकते हैं, पॉइंट नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद वही प्रोसीजर हमें करना है। तो ये जो 45 है ये किस पे आता है, 6 6 = 36, 7 7 = 49, 6 6 = 36, 7 7 = 49, तो 49 तो ज़्यादा हो गया, तो ये किस पे जाएगा, 6 6 = 36, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 9 बचेगा, ऐसे करते हैं। फिर ये नंबर है इसका डबल होगा, यहाँ पे इस नंबर का डबल होता है, होता है। फिर बेटा इसके साथ कोई नंबर लिखते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो नंबर इसके साथ आता है उसी से हम करते हैं मल्टीप्लाई। जैसे मैं इसके साथ अगर 1 लिखता हूँ तो 1 से ही मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर मैं इसके साथ बेटा 2 लिखता हूँ तो बेटा 2 से ही मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर मैं इसके साथ 3 लिखता हूँ तो 3 से ही मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे दो नंबर पहले से ही हैं, दो नंबर यहाँ पे पहले से ही मौजूद है, यहाँ पे कितना नंबर है, एक ही नंबर, यानी ये नंबर तो बहुत छोटा है, क्योंकि इसके साथ हम कोई नंबर राइट करेंगे ना तो 3 डिजिट हो जाएंगे, तो सिर्फ एक ही डिजिट है। तो हमें एक पेयर नीचे निकाल लेके आना पड़ेगा 56, 5 को नहीं ला सकती, सिर्फ पेयर आएगा, दोनों का जोड़ आएगा 56। अब 956 है ये 1 2, अब इसके साथ मैं अगर देखो 3 लिखता हूँ तो 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 963, ये जो नंबर है ये नंबर छोटा है इससे बहुत ज़्यादा, तो हमें ये नंबर यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं ये कितना ले लेता हूँ, ये मैं ले लेता हूँ 7 7 = 49 = 9 = 4, 7 2 = 14 + 4 = 18, 1 7 + 1 = 8,
889। अगर मैं यहाँ पे 1 2 को 8 से करता तो ये ज़्यादा चला जाता, 4 6 ज़्यादा चला जाता, ठीक है। तो मैंने 7 से लिया है। तो बेटा अब जब ये 7 से मल्टीप्लाई करना, तो 7 आप रही है यहाँ राइट करेंगे 7 यहाँ पे, और ये कितना आया है 889, ठीक है। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे, 16 में 9 गया 7, 14 में 8 गया 6, ठीक है 67 बचा। ये पहला स्टेप था, ये सेकंड स्टेप। अब तीसरा स्टेप है, इस नंबर का, ये जो नंबर यहाँ पे राइट है, इसका डबल लिखेंगे यहाँ पे 134, इस नंबर का डबल 134, ठीक है। अब यहाँ पे 3 नंबर है, यहाँ पे 2 नंबर है, और एक नंबर इसके साथ मेरे को लिखना है, तो यहाँ पे 4 नंबर हो जाएंगे, यहाँ पे 2 नंबर, तो ये छोटा रहेगा, तो हमें ये पेयर यहाँ पे नीचे उतारना पड़ेगा। लेकिन इस पेयर से पहले यहाँ पे क्या है डेसिमल, तो आपको यहाँ पे डेसिमल भी लगाना पड़ेगा, आपको यहाँ पे डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो बेटा यहाँ पे अगर मैं 5 लिखता हूँ, 134 के साथ 5 5 5 लिखता हूँ, तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 का 5 कैरी 2, 20 और 2 22 का 2 कैरी 2, 5 3 जा 15 और 2 17 का 7 कैरी 1, 5 और 1 6 7 2 5, यानी 5 यहाँ पे लिखेंगे, 5 यहाँ पे 6 7 2 5, यहाँ पे अब रिमाइंडर बचा 0, यहाँ पे और कोई नंबर भी नहीं है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो स्क्वायर रूट है किसका, 4556.25 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, 67.5। इस प्रकार बेटा डेसिमल का लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। पहले वीडियो में आपने जाना था कि ये नंबर क्या था, बिना डेसिमल का था, इस बार क्या है डेसिमल का, प्रोसीजर वो ही रहेगा, सिर्फ क्या चेंज होगा, डेसिमल कहाँ लगाना, पेयर बनाएंगे वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे डेसिमल से, इधर भी और इधर भी, इधर तो दो दो के पेयर बनाएंगे, इधर एक नंबर बच सकता है, इधर हम दो दो के पेयर ही बनाएंगे क्योंकि इधर दो का पेयर बन सकता है। तो बेटा इस प्रकार आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। और आपको देखो एक्सरसाइज 3B का जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके 4 पार्ट है, एक पार्ट मैंने आपको करवा दिया, बाकी के 3 पार्ट आप खुद से करेंगे।